हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिजिक्स फैक्ट बाय यूसीएक्स के इस चैनल में। मैं हूं अविनाश। दोस्तों, आज मैं जो है जैव विविधता का पार्ट थर्ड लाया हूं। इसके अंतर्गत हम लोग जैव मंडल, वन्य जीव अभ्यारण और नेशनल पार्क से रिलेटेड चीजों को पढ़ा जाएगा और उससे रिलेटेड जो जो फैक्ट है, जो यूपी टेट में या शिक्षक भर्ती में जो भी क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चन को क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस न हो। साथ में मैं कुछ मैपिंग के थ्रू कुछ ऐसे चीजों को बताऊंगा जिससे आप साथ में मेरे मैप बनाएंगे तो आपको भी मेरे साथ तैयार हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे, आपका टॉपिक जो है उसका नाम है जैव मंडल, वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है, वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है और जैव मंडल क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेशनल पार्क कौन होते हैं या कितनी उनकी संख्या है। तो नेशनल पार्क यानी वह क्षेत्र, किसी भूभाग का वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है, सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है और मानवीय गतिविधियों का पूरी तरीके से रोक होता है। अर्थात ना तो उस इलाके में आप घर बना सकते हैं और ना ही उस इलाके से आप लकड़ियां काट सकते हैं। उसे हम लोग कहते हैं नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यानी वह क्षेत्र जो सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में होता है और जिसमें मानवीय गतिविधियां पूरी तरीके से क्या होती हैं, बाधित होती हैं या मानवीय गतिविधियां पूरी तरीके से रोकी हुई जाती हैं। सबसे जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान है। जो जो मैं फैक्ट बोल रहा हूं उस फैक्ट को आप नोट करते रहिए और उसे कहीं ना कहीं लिखते रहिए। साथ में अब जानते हैं वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है। वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, वन्य जीव अभयारण्य में भी सरकार का नियंत्रण होता है, परंतु उसमें निजी कार्य अर्थात लकड़ियां काटने और उसमें मानवीय गतिविधियां पूरी तरीके से रोका नहीं जाता है। यानी मानवीय गतिविधियों को पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता है, अर्थात वहां से आप लकड़ियां काट कर ले जा सकते हैं। साथ में उसका कोई बाहरी सीमा निर्धारित नहीं होता, यानी वन्य जीव अभयारण्य में बाहरी सीमा निर्धारित नहीं होता, जबकि नेशनल पार्क का बाहरी सीमा निर्धारित होता है। और साथ में वहां पर नेशनल पार्क में बाहरी गतिविधियों पर यानी मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक होती है, जबकि इसमें मानवीय गतिविधियों पर रोक नहीं होती है या आंशिक रूप से रोक होता है। साथ में अब जानते हैं कि जैव मंडल क्या होता है। तो जैव मंडल जो होता है वो किसी स्थलीय पारितंत्र का वो होता है, वह भाग होता है जिसके अंतर्गत तीन क्षेत्र बनाए जाते हैं। तीन क्षेत्र मैं यही बना के आपको दिखा दे रहा हूं। एक ये क्षेत्र होता है जिसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, इसके अंदर एक क्षेत्र होता है जिसको बफर क्षेत्र कहते हैं, और उसके अंदर भी एक क्षेत्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर क्षेत्र कहते हैं। तो आपके जो ट्रांजिशन क्षेत्र है उसमें क्या होता है, मतलब आवास बनाने की और मानवीय गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। यानी जैव मंडल के ट्रांजिशन क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां और आवास बनाने की छूट होती है, जबकि बफर क्षेत्र सिर्फ टूरिस्टों के लिए ही, वहां पे टूरिस्ट लोग ही जा सकते हैं, अर्थात टूरिस्टों के लिए ही वो ओपन होता है या खुला होता है और उसमें कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता है। किस क्षेत्र में, बफर क्षेत्र में। और कोर क्षेत्र एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें मानवीय गतिविधियां पूरी तरीके से रोक होती हैं और उसमें कोई नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कह भी सकते हैं क्या चीज, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान की तरह काम करता है, इसका कोर क्षेत्र। तो आपका ये संक्रमण क्षेत्र, जैसे बोला हूं वैसे बना लीजिएगा, संक्रमण क्षेत्र, और ये होता है बफर क्षेत्र, और ये होता है कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां पूरे तरीके से क्या होते हैं, प्रतिबंधित होती है। तो आपको ये पता हो गया। साथ में ये जानते हैं वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितना है, तो आप लिख लीजिएगा 543। वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है, 543। जबकि जैव मंडलों या बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, 18। ठीक,
जयमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18 है, जबकि 543 आपके वन्य जीव अभ्यारण है या वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं? 543, जबकि 105 नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है। तो इनको आप कहीं पे एक टॉपिक पे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आपके ये इनके जो नाम हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कि आपके जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके नाम क्या क्या हैं, उनको एक क्रम से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखता हूं उसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो इसका नाम है वो आपका क्या है, एक जगह से स्टार्ट करते हैं, एक जगह से मैं इसका नाम भी लिखता रहूंगा, आप भी साथ में मैप एक बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, मैक्सिमम का नाम मैं खुद लिखूंगा बैठ के, तो आप भी मेरे साथ पॉइंट बना बना के लिख लीजिएगा। पहला जो है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है, कोल्ड डेजर्ट। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है? उसका नाम है कोल्ड डेजर्ट, याद रख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट। आगे फिर आते हैं, यहां के बाद डायरेक्ट आप यहां भी आ सकते हैं। चलिए मैं यहां के पास में देख लेता हूं, कोल्ड डेजर्ट के जस्ट बगल में ये वाला हिस्सा है, आप ये कह सकते हैं ये हिस्सा जो होता है ये दर्शाता है उत्तराखंड को। कौन सा हिस्सा ये दर्शाता है? ये उत्तराखंड के हिस्सा को दर्शाता है। और यहां पे क्या है, यहां पर नंदा देवी, कौन सा है वन्य जीव अभ्यारण, नंदा देवी। नंदा देवी वन्य जीव अभ्यारण कहाँ है? उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा, नंदा देवी आपके जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये दूसरा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। दो नाम आपको तैयार, कोल्ड डेजर्ट और दूसरा नंदा देवी का नाम याद रखिएगा। आगे आगे इसको कहते हैं गुजरात का कच्छ, यानी कच्छ जो है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। नाम से ही क्लियर है, कच्छ कहाँ है? गुजरात में। जब भी हम लोग गुजरात में आता है तो कच्छ और भुज का नाम लेते हैं, यहाँ पे कच्छ जो है और वो क्या है, एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो कि कहाँ है, गुजरात में है। तो आपके तीन नाम यहाँ से क्लियर। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिसके नीचे ये मैंने डैश लगाया है वो समझ लीजिएगा कि वो आपके जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है और साथ में वन्य जीव अभ्यारण भी है, यानी वन्य जीव अभ्यारण इसमें देख सकते हैं जयमंडल में कितने हैं, ये सब आपके कौन है, इनको हम लोग कहेंगे जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है और वन्य जीव अभ्यारण भी है। तो एक दो तीन नाम हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ का नाम मैं लिख दे रहा हूं, आपके तीन जो है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र आपके यहाँ पे है, यानी कौन है, यहाँ पे एमपी है। एमपी में कौन कौन से हैं? पहले का नाम है, यानी देख लेते हैं, अमरकंटक। दूसरा जो है अमरकंटक है, दूसरे का नाम है पन्ना और तीसरे का नाम है पंचमढ़ी। यानी कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं एमपी में? तो एमपी में आपके तीन बायोस्फीयर रिजर्व हैं और पन्ना सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, अर्थात इसका जो इसको बनाया गया है वो 2011 में, यानी पन्ना जो है सबसे आखिरी, यानी 18वां बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, पन्ना है, ये 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, देख लेते हैं नाम पहले देख लेते हैं, फिर पहला दूसरा मैं बताऊंगा। तो आपके कितने हो गए, एक दो तीन और तीन, यहां मिलकर छह बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, यानी एमपी में तीन, अमरकंटक, पन्ना और पंचमढ़ी। ठीक, आगे सब पहाड़ों पे बसी हैं, तो यहाँ पे जब आएगा पहाड़ के टॉपिक में तो अमरकंटक को भी बताऊंगा, पंचमढ़ी को बताऊंगा, सब वहां पे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद छह हो गए, छह के बाद इसका नाम क्या है, ये है अगस्सी मलाई। कौन सा इसको बायोस्फीयर रिजर्व का नाम देते हैं, ये अगस्सी मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये जो होता है इसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी एमएबी, मैंने एमएबी को पढ़ाया है, जब आप देखेंगे यानी सेकंड टॉपिक जो है, यानी जयमंडल का, अरे
जैव विविधता का जो सेकंड टॉपिक है उसमें MAB का नाम आया। इसका फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसको यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है, यूनेस्को द्वारा अपने क्षेत्र में लिया जाता है। तो यूनेस्को में कौन कौन से हो जाएंगे, यूनेस्को में कौन कौन से हो जाएंगे, तो यूनेस्को में जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत यूनेस्को में जो शामिल किया गया है वो सबसे आखिरी बायोस्फीयर रिजर्व ही है, अगस्थी मलाई। याद रख लीजिएगा कब शामिल किया गया है, 2016 में। डेट एकदम लेटेस्ट है, याद रखिएगा, कहीं भी नोट कर लीजिएगा। यूनेस्को इसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ के तहत इसे संरक्षण दिया है 2016। सबसे लेटेस्ट यही है बायोस्फीयर अगस्थी मलाई। ठीक, कितने हो गए, 1, 2, 3, 3, 6, 7। इसके बाद यहां पे आपके दो बायोस्फीयर रिजर्व है, एक का नाम है, ये जगह बस मैं इंडिकेट किया हूं, बाकी यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व काफी अंदर भी है। इसमें दो बायोस्फीयर रिजर्व है यानी तमिलनाडु में, एक का नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरे का नाम है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे पुराना जैव मंडल है, जबकि सबसे बड़ा जैव मंडल कौन है, मन्नार की खाड़ी। तो सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, उसका नाम है नीलगिरी, और सबसे बड़ा जैव बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी। याद करेंगे यहां से क्वेश्चन, और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा यूनेस्को द्वारा जो शामिल किया गया है वो नीलगिरी सबसे पहला है। नीलगिरी जो है आपका सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल किया गया है, सबसे पहला, यानी कब किया है इसको, 2000 में। याद रखेंगे डेट, कब शामिल किया गया इसको, 2000, सन 2000 में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें सबसे पहले भारत का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर के तहत यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है इसके संरक्षण के संबंध में। यानी सबसे पहले 2000 में नीलगिरी और सबसे आखिरी में कौन है, अगस्थी मलाई है। अगस्थी मलाई केरल में है और नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक, इतने पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे मन्नार की खाड़ी क्या है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि ये आपके अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है, और ये क्या है, भारत का जो है सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कितने हो गए, फिर से काउंट करते हैं, 1 कोल डेजर्ट, 1 दूसरा नंदा देवी, 2 कच्छ, 3 अमरकंटक पन्ना और पंचमढ़ी, 6 अगस्थी मलाई, 7 नीलगिरी और मन्नार, 9। और इसकी बात करते हैं, इसका जो नाम है, इसका नाम है शेषाचलम। क्या नाम है याद करिएगा, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, यानी शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ये वाला हिस्सा आप मैप में देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ये वाला मैप में जो हिस्सा है इसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद देखते हैं अगला जो है, इसका नाम यहाँ पे जो है, इसका नाम है, साथ में लिखते रहिएगा, तैयार ज्यादा अच्छा होगा, इसका नाम है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ है, उड़ीसा में। याद करिए जो जो पॉइंट बता रहा हूं सब पॉइंट को ध्यान से मैपिंग करके आप भी लिख लीजिएगा तो आपको तैयार बहुत अच्छा होगा। यानी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में है। उसके बाद ये इसको कहते हैं सुंदरवन, यानी सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ये वाला हिस्सा देखिएगा मैप में आपको पता चलेगा, ये है पश्चिम बंगाल। यानी सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक, आगे ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं लेकिन आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, नौकरेक, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मेघालय में। यानी नौकरेक गारो खासो जयंतिया जो है उसी पर्वतों पर ये बसा है। कौन सा, नौकरेक जो है आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, कहां पर स्थित है,
मेघालय में स्थित है। ठीक, आपके हो गए। अब काउंट काउंट एक साथ कर लेंगे, दो और कराने के बाद तब काउंट करते कितने हुए। उसके बाद ये जो है आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो है, यानी ये हिस्सा जो है कुछ ऐसे है, यानी ये हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा जो होता है ये आसाम का हिस्सा है, और आसाम में आपके बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या दो है। तो याद रखिएगा, तीन बायोस्फीयर रिजर्व सबसे ज्यादा कहां है, एमपी में है, और दो यहां तमिलनाडु में है, और दो आसाम में। आसाम में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है, डिब्रू सैखोवा। क्या नाम है, डिब्रू सैखोवा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है। और एक और बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, मानस। तो आपके दो बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, आसाम में दो बायोस्फीयर रिजर्व है, एक का नाम है डिब्रू सैखोवा और एक का नाम है मानस। डिब्रू सैखोवा, इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी, और सबसे छोटा जो है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम क्या है, डिब्रू सैखोवा। तो एक साथ चार क्वेश्चन तैयार करते हैं। पहले सबसे पहला नीलगिरी और सबसे आखिरी पन्ना, दो सबसे बड़ा जो है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, और सबसे छोटा क्या है, डिब्रू सैखोवा। ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। अब काउंट कर लेते हैं कितने हुए। चलिए एक और बच गया, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है कॉन्ग चेन जोवा, कॉन्ग चेन जोंगा, सॉरी कॉन्ग चेन जोंगा, यानी कंचनजंगा से ही रिलेटेड है, तिब्बती नाम है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कॉन्ग चेन जोवा जोंगा। ये जो है ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कहां है, सिक्किम। ये उंगली की तरह जो भांति दिख रहा है आपको, उभरा हुआ भाग है, इसको सिक्किम कहते हैं, यानी सिक्किम में जो है बायोस्फीयर रिजर्व उसका नाम है कॉन्ग चेन जोंगा। आप काउंट करते हैं कितने हुए, एक दो तीन छ सात दो नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रह हो गए, एक बच गया। वो है यहां पे द्वीप बसा है जिसको हम लोग नाम देते हैं अंडमान निकोबार, उस पे एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व बचा है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो इस तरीके से आपके कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, तो बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या होगी 18। अब देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, और इसमें से कितने आपके नेशनल पार्क है और कितने वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए काउंट करते हैं, ये वन्यजीव अभयारण्य नीचे डैश लगाए, वन्यजीव अभयारण्य, 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 यानी काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पांच, इसमें से एक ही है बस, तो एक दो तीन, तीन हो गए इधर, तीन के बाद इसमें सिर्फ दो है, दो में कौन कौन सा है, ये आपका जो है यानी सॉरी ये तीनों है, एक दो तीन चार पांच छ, छ हो गए, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह के बाद एक तेरह, यानी कितने हैं आपके, तेरह ऐसे हैं जो वन्य जीव अभयारण्य, कहीं लिख लीजिएगा, तेरह आपके क्या है, वन्य जीव अभयारण्य है। तो पांच जो हैं आपके बच गए, उनका नाम देख लेते, पांच जो आपके राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क में कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें एक बच गया, कौन सा है, इसमें जो है नीलगिरी के डैश मैंने लगाया है, नीलगिरी आपका वन्य जीव अभयारण्य है, जबकि मन्नार की खाड़ी क्या है, राष्ट्रीय पार्क है। तो मन्नार की खाड़ी एक, इसमें से मानस आपका वो है, मानस है बनाया नहीं, मानस जो है, मानस आपका जो है वो वन्य जीव अभयारण्य है, जबकि डिब्रू सैखोवा कौन है, डिब्रू सैखोवा जो है वो नेशनल पार्क है। तो एक दो तीन चार और पांच, पांच कौन है, नाम एक बार मैं बोल दे रहा हूं, नाम लिख लीजिएगा, मन्नार की खाड़ी एक, डिब्रू सैखोवा दो,
कांचनजंगा 3, 9 करेट 4 और एक आपका जो है इसका नाम है सिमलीपाल 5। 5 आपके कौन है, नेशनल पार्क है, बाकी आपके 13 जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब साथ में देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपके जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो यहां पे मैंने लिखा है, ये है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है हिमीस। सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय जो पार्क है उसका नाम है हिमीस। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित दचीग्राम, ये मृग को संरक्षण देने के लिए इस पर इसका निर्माण किया गया। मृग जो है परियोजना, यानी मृग मतलब हिरण को बचाव संरक्षण देने के लिए मृग परियोजना के तहत दचीग्राम को वन्यजीव अभयारण्य के तहत घोषित किया गया था। यानी हिमीस आपका राष्ट्रीय पार्क है और दचीग्राम क्या है, दचीग्राम आपका वन्यजीव अभयारण्य है। केवलादेव, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केवलादेव और सरिस्का दो आपके वन्य जीव अभयारण्य जो हैं और यहीं पे रणथंबोर जो है आपके तीन यहां पर कौन है, तीनों आपके कौन है, रणथंबोर, केवलादेव, सरिस्का, ये तीनों आपके कौन है, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है। केवलादेव पक्षियों से रिलेटेड है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। और टाइगर रिजर्व भारत में कब लागू किया गया था, तो याद कर लीजिएगा डेट 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए यानी कदम उठाएगा, उसी के अंतर्गत बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क की भी स्थापना की गई। आगे आते हैं तो इसमें कौन है, यहाँ पे कच्छ है और कच्छ तो एक अलग हो जाएगा, कच्छ जो है आपका जयमंडल है और इसमें दो आपके क्या है नेशनल पार्क है, एक का नाम है कच्छ की खाड़ी और दूसरा क्या है गीर राष्ट्रीय उद्यान, जबकि कच्छ आपका क्या है एक वन्य जीव अभयारण्य है और कच्छ की खाड़ी जो है वो राष्ट्रीय पार्क है और गीर राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेर के लिए फेमस है। कौन गीर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, यूपी टेट में ध्यान रखेंगे, गीर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए फेमस है, याद रख लीजिएगा। दो और बता रहा हूं इसी हिसाब से तैयार कर लीजिएगा, संजय गांधी यहां पे एमपी है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पे है, महाराष्ट्र में है, जबकि इन्हीं के भाई यानी राजीव गांधी जो है वो कहां है कर्नाटक में, यानी यहां लिख सकते हैं राजीव गांधी कहां है कर्नाटक में, जबकि संजय गांधी कहां है, संजय गांधी आपके महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में संजय गांधी और आपके कर्नाटक में राजीव गांधी वन्य जीव, अरे संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों क्या है नेशनल पार्क है। ठीक, अब देखते हैं यहां पे, तो ये जो केरल में देख रहे हैं दो हिस्सा है और दोनों पे हमने नीचे अंडरलाइन किया, यानी दोनों क्या है वन्य जीव अभयारण्य, यानी पेरियार वन्य जीव अभयारण्य और शांत घाटी कहां पे है, दोनों केरल में। और शांत घाटी जब भी केरल का नाम आता है शांत घाटी मैं हमेशा बताता हूं, तो शांत घाटी अगर आ रहा है तो शांत घाटी कहां पे है वो केरल में है, और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया, टाइगर को सुरक्षा देने के लिए शामिल किया गया। सरिस्का भी हो गया और उसके बाद यहाँ पे सरिस्का है और यहाँ पे एक बांधवगढ़ है, ठीक है, एक नाम और यहाँ पे लिख लीजिएगा बांधवगढ़ भी क्या है एक टाइगर रिजर्व है और सरिस्का भी एक टाइगर रिजर्व है और इधर से पेरियार भी क्या है एक टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया। शांत घाटी याद बस इतना रखना है, शांत घाटी कहां पे केरल में, अगस्ती मलाई के लिए बता दिया, सबसे आखिरी में इसको शामिल किया गया था, लिखा था वहां पे 2016, बाकी आप सारी चीजों को बता चुका हूं। नीलगिरी सबसे पुराना है और मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी के अंदर नीचे डैश लगा है, यानी नीलगिरी एक वन्य जीव अभयारण्य है और साथ साथ में जैव मंडल भी है। मन्नार की खाड़ी वन्ली क्या है राष्ट्रीय पार्क है। शेषाचलम लिखा है ना, शेषाचलम के नीचे अंडरलाइन लग गया है, यानी शेषाचलम आपको बता दिया कि शेषाचलम क्या है एक आपके
यानी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, साथ में वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो ये आपके देख लिए अमरकंटक, पन्ना और पंचमढ़ी, ठीक है, और बांधवगढ़, इतना नाम बता दिया। सिमलीपाल को छोड़ दीजिए, सिमलीपाल को पहले भी बता दिया हूं, सुंदरवन को बता दिया। अब एक केबुल लाम जाओ याद कर लीजिएगा, केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ कहां पे है, ये आपका मणिपुर में, याद रख लीजिएगा। केबुल लाम जाओ यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां है, मणिपुर में। तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां है, मणिपुर में है। उसके बाद आसाम पे आते हैं, आसाम में डिब्रू सखोवा याद रखिएगा, मानस, ये दोनों आपके वन्य जीव अभयारण्य है। जबकि काजीरंगा क्या है, नेशनल पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस कौन है, काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे आते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, राजा जी, जिम कॉर्बेट नाम याद रखिएगा, जहां जहां बोला बना रहा हूं उसको मतलब समझिए वो टाइगर रिजर्व है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक राजा जी, दोनों किसके लिए, किस एक टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी क्या है, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। आगे तो आपको याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है, ये जो है भारत का सबसे पुराना जो है आपका नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा अजमीर और सबसे पुराना क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम भी याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, क्या नाम है, हेली नेशनल पार्क, और ये 1936 में बना था, याद रखिएगा सब नाम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना है और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क है, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से राम गंगा एक नदी है जो उसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। राजा जी ये भी आपका टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, बोला राउंड क्यों, राजा जी भी जो टाइगर रिजर्व है वो भी कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक। चलिए एक केवला देव नेशनल पार्क ना, इसका नाम था पहले पुराना नाम था भरत पक्षी बिहार, यानी भरत एक सेकंड इसको क्लियर करना चाहिए, और केवला देव वाला जो है वो आपका जो है इसका नाम आप चेक कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, हो सकता है ये चीजें, हो सकता है मैं जो बता रहा हूं थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, इसका नाम है भरत पक्षी बिहार, इसका पुराना नाम था उसी को चेंज करके इसका नाम रखा गया है केवला देव नेशनल पार्क रखा गया है। तो इसका नाम पुराना नाम याद रखिएगा और केवला देव का पुराना नाम याद रखिएगा। सर इसका क्या है, एक टाइगर रिजर्व है और इसमें लगभग आपके सारे पॉइंट को मेंशन कर दिया गया है, और सबसे छोटा, सबसे ये हो गया, सबसे पुराना ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया और सबसे छोटा याद रखिएगा, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपका ये जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, और ये जो है मात्र 0.03 किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा है और सबसे बड़ा हिमी, ठीक। लगभग सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, और बांधवगढ़ भी आप यहां से याद कर सकते हैं। हाँ, एक साथ और एक चीज को, एक पॉइंट को मेंशन कराते हैं, मेंशन कर लीजिएगा, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत जो 10 आपके बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा यूनेस्को में संरक्षण के लिए, उनके नाम याद कर लीजिएगा। सबसे पहले पे नीलगिरी याद रखिएगा, नीलगिरी एक, मन्नार की खाड़ी दो, मैं टिक लगाने जा रहा हूं, नीलगिरी एक, मन्नार की खाड़ी दो, अगस्थी मलाई तीन, उसके बाद जो है इसका नाम है, यानी सेसाकलम को नहीं है ये कट कर लीजिएगा, उसके बाद सिमलीपाल चार, सुंदरवन पांच, उसके बाद पांच होने के बाद इसके अंतर्गत दो आते हैं, एक आता है अमरकंटक छह, पंचमढ़ी सात, ठीक है, इस पर राउंड नहीं करते, इस पर टिक लगाते हैं, सात हो गए, कितने हो गए, सात, सात के बाद बचे कितने, आपके तीन बच गए, एक है ग्रेट निकोबार आठ, एक का नाम है नंदा देवी नौ, और एक जो है उसका नाम क्या है, नंदा देवी नौ, और एक जो है उसका नाम यहां से देख लीजिएगा,
नौ एक आप देख लीजिएगा, मुझे एक मिनट मैं देख के बताता हूं। ग्रेट निकोबार हो गया, हाँ एक नौ क्रिक, कौन है ये दस, दस आपके नाम इस तरीके से आप दस का नाम याद रख लीजिएगा। फिर से बता रहा हूं, अगस्ती मलाई एक, नीलगिरी मन्ना दो, ये तीन, इसको छोड़ के चार पांच छ, छ हो गए, छ के बाद क्या कौन है, छ के बाद देखेंगे तो यहां पे दो सात आठ, नंदा देवी नौ, और एक कौन छूट गया, ग्रेट निकोबार, आपके दस हो गए राष्ट्रीय, ये हो गया आपका ये इसको आप बोल देंगे मन्नार की खाड़ी, ये सब मिला के आपके दस मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। अब दो पॉइंट और, दुधवा नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क काफी फेमस, याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश। एक और यहीं पे है, एक यहीं पे है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से है दुधवा नेशनल पार्क, और यहाँ पे क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन करिएगा, रेस्क्यू सेंटर यानी करंट की चीजें हैं, रेस्क्यू सेंटर कहां स्टार्ट किया गया है, तो रेस्क्यू सेंटर आपका पीलीभीत जनपद में क्या हुआ है, जो रेस्क्यू सेंटर स्टार्ट करके वहां के जीवों को संरक्षण देने के लिए रेस्क्यू सेंटर स्टार्ट किया गया है। एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि क्यों इसमें पॉपुलर चल रहा है, इसमें एक स्टार्ट किया गया है, उसका नाम है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी एसटीपीएफ को स्टार्ट किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ये है इसके तहत क्या हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो वहां पे जानवर है उनको टाइगर, वहां के जो टाइगर है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये शुरू की गई है और इस योजना के तहत ये लागू किया गया। साथ में ये आपका पूरा लगभग बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वन्य जीव अभयारण्य पूरे हो गए। तो आपको अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, थैंक यू।